हे एवरीवन, इट्स मो हेयर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों के बाद मैं मेरा हॉल वीडियो लेके आई हूँ। रिसेंटली मैंने एक शुगर का वीडियो किया था, बट वो हॉल वीडियो नहीं था, वो था जो शुगर का जो अच्छा वाला ऑफर मैंने ग्रैब किया है उसके लिए, बट दिस इज द हॉल वीडियो। सो बहुत दिनों के बाद मुझे हॉल मिला है, इसीलिए मैं आज एक हॉल वीडियो कर रही हूँ। बहुत सारा चीज़ नहीं है, बट काम की चीज़ें लाइक सस्ते से महंगा सारे प्रोडक्ट है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए कि मेरे हॉल में क्या क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कर्व्स एंड लैशेस से मैंने लिया है, मैं पहले उसे दिखा देती हूँ। सो दिस इज द प्रोडक्ट, ये है एक ब्लू आईलाइनर एंड इससे मैंने एक लुक क्रिएट किया है। दिस लुक को, मतलब इसी लुक को मैंने क्रिएट किया है एंड मैं इसे आपने शायद देखा है मेरे चैनल पे। सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, बहुत बहुत ज़्यादा नो जेट ग्रीन जो है ना वो है एंड उस तरह का कलर है, लाइक सी ग्रीन नहीं है, जेट ग्रीन जो डार्क ग्रीन है। दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये ब्लैक लगेगा, बट एक्चुअली दिस इज़ अ ग्रीन। ओके, सो ये जो प्रोडक्ट है ये है कर्व्स एंड लैशेस लिक्विड आईलाइनर मैट इन मॉस। सो मुझे ये कर्व्स एंड लैशेस का खुद का शायद है लैशेस, आई डोंट नो मैं ये क्यों स्पेल नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, ओके फाइन। सो नेक्स्ट है ये ब्लू कलर का आईलाइनर। ये एक्चुअली मैंने ख़रीदा है ग्रीन ब्लू, क्योंकि मैं बहुत सारा लुक जैसे क्रिएट कर सकती हूँ, बहुत सारा लुक क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, ये ग्रीन ये ब्लू भी बहुत अच्छा है। ये मिस रोज का है एंड हाँ ये मिस रोज का है एंड इसका प्राइस है सिर्फ 60 रुपीज़ एंड इसका प्राइस है 199 लिखा है, बट 199 है नहीं, इससे ये भी मुझे कम, इसके बहुत कम प्राइस में मिला है। सो ओवरऑल दिस बोथ आर बहुत यू नो अच्छा ठीक ठाक वाला प्रोडक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट है ये मैंने लिपस्टिक लिया है एंड जो मैंने अभी वेयर किया है। सो ये ब्लू हेवन का लिपस्टिक है, नॉन ट्रांसफर लिक्विड लिपस्टिक और ये शेड है वेलवेट वाइट। ये भी बहुत ज़्यादा मैट है, मैंने सुबह अपने यू नो हाथ में लगाया था और अभी भी नहीं उठा ये, एंड दिस इज़ द कलर। सो ये लिखा है यहाँ पर कि 8 आवर वेयर नॉन ट्रांसफरेबल। सो सच में ये लाइक ये सच में ये नॉन ट्रांसफरेबल है, बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट मुझे लगा। नेक्स्ट फिर से एक लिपस्टिक मैंने ख़रीदा है, ये है ब्लू हेवन का लिपस्टिक एंड इन द शेड 02। सो ये बहुत ही न्यूट सा शेड है, सी बहुत ही न्यूट एंड बहुत ही लाइट वाला शेड है। ये मैंने डेली वेयर के लिए लिया है, बट एक्चुअली आजकल लिपस्टिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप लोग हम जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं मास्क पहन के निकल रहे हैं, तो लिपस्टिक्स मेरा वेस्ट ना हो जाए इस साल का, तो क्या करूँ, घर में वेयर करके मैं बैठी रहती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा ऑफिस भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। सो नेक्स्ट मैंने ये आईलाइनर लिया है, ये भी ब्लू हेवन का है एंड दिस ए शायद आप सबके पास होगा, दिस इज यू नो पेन आईलाइनर। ये भी बहुत मैंने पहले यूज़ किया था, ठीक ठाक है, लाइक बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक तो नहीं है, बट इतना कम प्राइस में अच्छा ही है। सो सबका प्राइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुझे ना सच में प्राइस याद नहीं रहता। देन मैंने ख़रीदा है ये ब्लू यू नो ग्रीन। सो नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है ये ग्रीन वाला काजल ब्लू हेवन का, अगेन ब्लू हेवन का। सो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ब्लू हेवन का ही है, क्योंकि ब्लू हेवन तो बहुत सस्ता है, बहुत ही अच्छा वाला ब्रांड है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो दिस इज़ द शेड। सो मैंने ग्रीन आईलाइनर, ग्रीन काजल एंड ब्लू आईलाइनर है ब्लू काजल, इसका स्टॉक में नो कर रही हूँ मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा लुक क्रिएट करने के टाइम पर ना मुझे नहीं मिलता, इसीलिए ब्लू काजल मैंने इसीलिए नहीं खरीदा क्योंकि वो मेरे पास पहले से ही है, ब्लू हेवन का ही है एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो नेक्स्ट मैंने बाय किया है ये
ये पर्पल अभी खत्म हो गया इसका, अभी क्राफ्ट्स एंड लैशेस का खत्म हो गया, अभी पर्पल का जो हॉल है। सो पर्पल हॉल से मैंने बहुत सारे चीज़ रिपर्चेस किया है, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे देखा है, जैसे कि मेवेलिन फिटमी का फाउंडेशन, कॉन्सीलर, ये सब मैंने रिपर्चेस किया है, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। जो मैं न्यू खरीदा है वो है ये NYX का कॉन्सीलर इन द शेड टोस्ट, इसका प्राइस है 99। सो ये आपने मेरी प्रीवियस दो वीडियो में देखा है मुझे यूज़ करते हुए, ये मैंने नहीं खरीदे हैं। एंड दिस इज़ ग्रेट गाइस, एंड बहुत ज़्यादा मेरी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप क्रीम कॉन्ट्रोल अगर ढूंढ रहे हो सस्ते में, बजट में, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, लेट्स गिव इट अ ट्राई। देन मैंने खरीदा है एक मस्कारा, जो ये मेरा न्यू कलेक्शन के अंदर है, दैट्स मेबेलिन कोलोसल। ये मेबेलिन का मेरे पास ऑलरेडी एक मस्कारा है, ये बट ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम परचेस। सो मैंने मेरी कलेक्शन में एक फिर से एक आई शेडो पैलेट आया है, जो है ये मिस रोज का, ये भी मैंने एक बार यूज़ किया है, आपने शायद देखा होगा मेरी वीडियो में। एंड इसमें आपको मिल रहा है, सो इसमें आपको मिल रहा है 18 शेड्स, 18 आई शेडो, जिसमें 6 ये जो है ये प्रेस्ड ग्लिटर है, प्रेस्ड ये सारे इसके सारे प्रेस्ड ग्लिटर है। एंड इसका कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छा है, लाइक एंड सीधा टेक्सचर, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हो रहा है, बट मैंने अभी भी आईलिड पर नहीं लगाया, तो मैं वो बहुत ज़्यादा कितना फॉल होता है मैं नहीं कह सकती हूँ। एंड इसमें बहुत 3-4 ये मैट शेड है, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा इसका भी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट मैंने ये परचेस किया है, एंड उसके बाद जो सबसे मेरा बड़ा 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 चीज़ है वो है दिस वन। तो ये मैंने बाय किया है, एंड आप सोच रहे हो कि ये क्या है। सो ये एक फेशियल किट है, दिस इज़ न्यूट्री ग्लो 9 फेशियल किट, एंड ये मैंने परचेस किया है स्नैपडील से। बहुत डर लग रहा था जब मैंने ये ऑर्डर दिया था, एंड सच बोलूँ तो सब स्नैपडील से इतना बैड बैड रिव्यूज़ मैंने पढ़ा है कि पत्थर वत्थर भेज पे भेज देता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थी मैं। बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है गाइस, एंड मैंने एक बार फेशियल किया है, एंड मेरी सिस्टर ने एक बार की है, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा वाला ऐसे डिब्बे में आती है, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिल रहा है इस तरह के डिब्बे में, एक एक प्रोडक्ट है आपको, एंड आपको मिल रहा है हर एक चीज़ का। सो यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप है वो है क्लिंजर, देन है स्क्रब, मॉइस्चराइजिंग जेल, देन आपको मिल रहा है वाइटनिंग क्रीम, दिस इज़ अ मसाज क्रीम, एंड फिर आपको मिल रहा है पैक, एंड फिर से आपको मिल रहा है ये फेस सीरम। एंड इस सब के साथ आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये मिल रहा है ये मशीन। येस, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड परचेस। मुझे नहीं पता कि ये मशीन कितना कितना टाइम चलने वाला है, बट दिस इज़ रियली ग्रेट। अभी मैंने यूज़ किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है सी, एंड तो ये बैटरी से चलता है, एंड ये सबका प्राइस मुझे मिला है सिर्फ 550 में, मतलब 550 में मुझे फेशियल किट, इतना बड़ा बड़ा डिब्बा, एंड ये मशीन भी मिल गया। दिस इज़ अ ग्रेट परचेस, ग्रेट परचेस। सो या दैट्स ऑल माई हॉल वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आपको इस तरह की हॉल वीडियो पसंद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए, मैं और भी हॉल वीडियो करने की कोशिश करूँगी। सो या मिलते हैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।